हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको 42 चेस्ट के अकॉर्डिंग प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग पेपर पर करना बताएंगे। तो मुझे काफ़ी टाइम से एक रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज मैं इन्हीं के रिक्वेस्ट पर ये वीडियो बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। तो तैयार लेंथ हमें जितनी चाहिए उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, तो मैं यहाँ पर 15 इंच पर निशान लगा रही हूँ। बाद हम शोल्डर का निशान लगाएंगे यहाँ से 7.5 इंच, क्योंकि इन्होंने बताया कि इनका शोल्डर 15 इंच है, तो इसका हम हाफ करेंगे 7.5 इंच। आर्मोर लेंगे यहाँ से 6.5 इंच। चेस्ट है 42 इंच, तो इसका 4th पार्ट निकालेंगे इस तरीके से। पार्ट है 10.5 इंच, तो यहाँ से हम 10.5 इंच लेंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। सारे निशान को इस तरीके से डार्क कर लेंगे। आर्म होल पर 1.5 इंच की गोलाई देंगे, क्योंकि हमारा बैक का पार्ट है। सबसे पहले हम बैक के पार्ट की ही कटिंग करेंगे। इन्होंने बताया कि इनका आर्म होल राउंड 18 इंच है, तो इसे हम नाप लेंगे कि ये हमारा 9 इंच आ रहा है या नहीं। इसके बाद हम कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर इनकी 36 इंच, इसका 4th पार्ट होगा 9 इंच, तो यहाँ से 9 इंच पर निशान लगाएंगे और 1 इंच लेंगे बैक के टक्स के लिए और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। इसे इस तरीके से मिला देंगे। अब नेक विड्थ लेंगे यहाँ से 3 इंच। अगर आप डोरी लगा रहे हैं तो इसमें 4 इंच ले सकते हैं। बिना डोरी के नेक में 3 इंच लेंगे और नेक की लेंथ लेंगे 9 इंच। इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे और राउंड शेप देंगे। तो ये हमारे बैक के पार्ट की मार्किंग है, अब इसे कट कर लेंगे। पार्ट को कट करने के बाद अब हम इसमें टक्स का निशान लगाएंगे, तो यहाँ से हम 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और टक्स की लेंथ 5 इंच रहेगी। इसे स्ट्रेट कर देंगे और 1 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, तो हम 1/2 इंच कपड़ा दोनों तरफ से दबाएंगे, इसलिए हम 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे टक्स का शेप देंगे। तो हमने टक्स का निशान लगा लिया है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो लेंथ लेंगे 15 इंच, शोल्डर लेंगे 7.5 इंच, आर्म होल लेंगे 6.5 इंच, चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे यहाँ से 10.5 इंच और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। मार्जिन के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और सारे निशान को मिला लेंगे। होल पर 1 इंच की गोलाई देंगे। अब कमर का निशान लगाएंगे, तो कमर का 4th पार्ट 9 इंच, यहाँ पर 9 इंच पर निशान लगाएंगे, 2 इंच का मार्जिन लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन के बाद एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरीके से इसे मिला देंगे। नेक विड्थ लेंगे यहाँ से 3 इंच, नेक की लेंथ लेंगे 7 इंच और बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पर भी राउंड शेप देंगे। तो अब हम प्रिंसेस कट का निशान लगाएंगे, तो अगर आप हुक और काज की पट्टी आगे नहीं लगाते हैं तो आप 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे।
लेकिन अगर आप फ्रंट से ओपन बनाएंगे तो आप 5 इंच पर निशान लगाएंगे। सबसे पहले हम टक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे, तो शोल्डर के मिडिल से हम चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 1 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी कि 11.5 इंच पर। और यहाँ से 5 इंच लेंगे अगर हम फ्रंट से ओपन रखेंगे तो ये हमारा टक्स पॉइंट है, इसे स्ट्रेट कर लेंगे और इसी निशान को आर्म होल के कॉर्नर पर मिला देंगे। ये जो हमारा कॉर्नर है यहाँ पर मिला देंगे। तो अब हम इस निशान से 1.5 इंच दूर एक निशान लगाएंगे और इसे स्लीव्स के जैसा शेप देंगे। जो हमने एक्स्ट्रा 1.5 इंच लिया था वो यहाँ पर कवर हो जाएगा और जो हमने चेस्ट में मार्जिन के बाद लिया था 1 इंच एक्स्ट्रा वो यहाँ पर 1/2 इंच दोनों तरफ निशान लगा लेंगे और इसे इस तरीके से मिला देंगे। तो ये 1 इंच भी हमारा कवर हो जाएगा और यहाँ पर राउंड शेप देंगे इस तरीके से हल्का सा और इसकी कटिंग कर लेंगे। पार्ट की कटिंग करने के बाद अब जो हमारा टक्स पॉइंट है वहाँ पर छोटा सा कट लगा देंगे, जिससे हमें याद रहेगा कि यहाँ पर हमारा टक्स पॉइंट है। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है और इसे जॉइंट करने के बाद बहुत ही अच्छा पफ आएगा। जब हम इस पार्ट को कपड़े पर कटिंग करेंगे तो यहाँ से ये जो राउंड शेप है यहाँ पर हम 1-1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे स्टिच करने के लिए, बाकी सब कुछ सेम कटिंग करेंगे। तो फ्रंट और बैक की कटिंग करने के बाद अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमें जितनी स्लीव्स चाहिए उससे हम 1 इंच लेंगे लेंथ में। तो हमें तैयार लेंथ अगर 4.5 इंच चाहिए तो हम यहाँ से 5.5 इंच लेंगे और यहाँ से ये चेस्ट का 4th पार्ट होगा, यानी कि 10.5 इंच। अब हम स्लीव्स बॉटम का निशान लगाएंगे, तो स्लीव्स बॉटम लगभग हमें 7.5 इंच चाहिए और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। यहाँ से 3 इंच की गोलाई देंगे दूसरी तरफ से, इस तरीके से गोलाई देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। और स्लीव्स को ज्वाइंट करते वक्त हम फ्रंट में गोलाई देंगे इस तरीके से 1 इंच की। तो ये 1 इंच की गोलाई देंगे हम फ्रंट की तरफ। तो हमारी कटिंग हो चुकी है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।